नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अप्रेंटिस गुरुजी पर। दोस्तों 108वीं, 109वीं या फिर 110वीं शिक्षुता परीक्षा के फेल या फिर रीअपीयर कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम में बैठने के लिए नए पोर्टल पर माइग्रेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब तक ये कैंडिडेट नए पोर्टल पर माइग्रेट नहीं हो पाएंगे तब तक इनके सेशनल या फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स पोर्टल पर नहीं चढ़ पाएंगे, और दोस्तों इसके साथ साथ वो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब की बार 111वीं शिक्षुता परीक्षा के एग्जाम संबंधी सभी कार्यवाही नए वाले पोर्टल पर ही होने वाली हैं। तो रीअपीयर या फिर फेल कैंडिडेट के डाटा को नए वाले पोर्टल पर माइग्रेट करने के लिए बल्क डाटा टेम्पलेट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाया जाता है। दोस्तों इस प्रक्रिया में बहुत सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। मेरे द्वारा भी कुछ कैंडिडेट्स के डाटा को नए पोर्टल पर माइग्रेट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें कई तरह की एरर्स का सामना भी करना पड़ा। लेकिन दोस्तों बार बार DGT या फिर RDST में संपर्क करने उपरांत कुछ समाधान मिला है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होने वाला है, लेकिन पूरी डिटेल के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की हर वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बल्क कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट इशू करने के लिए हमें जाना होगा डिपार्टमेंट के लॉगिन पोर्टल पर। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यह कार्य केवल डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाना है, और कैंडिडेट इस कार्य को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक डिपार्टमेंट की जो लॉगिन डिटेल है उसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर हम उस डिपार्टमेंट की लॉगिन आईडी और पासवर्ड भर देते हैं। दोस्तों मेल आईडी एवं पासवर्ड भरने उपरांत हमें लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हमारे सामने इस डिपार्टमेंट का डैशबोर्ड खुल जाता है। तो दोस्तों इसके उपरांत हमें जाना होगा कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन पर। दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है वो आपको डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में जो मेनू दिखाई दे रही है वहाँ पर तीसरे नंबर पर दिखाई देगा, और यहाँ से हम कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने उपरांत हम कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करने उपरांत राइट साइड में हमारे सामने जो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स हैं वो खुल जाएंगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उन कैंडिडेट्स की डिटेल भी यहाँ पर खुल जाती है जो अभी इस डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप लगे हुए हैं, या फिर इनकी जो अप्रेंटिसशिप है वो पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंप्लीटेड कैंडिडेट्स दिखा रहे हैं इन्हीं कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम के लिए कार्रवाई करनी होती है, यानी यही वो कैंडिडेट हैं जिनके प्रैक्टिकल व सेशनल के मार्क्स पोर्टल पर चढ़ाने होते हैं। दोस्तों ये तो बात उन कैंडिडेट की थी जो इस पोर्टल पर ऑलरेडी चढ़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों अभी हमने पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर कैंडिडेट को चढ़ाना है। तो दोस्तों उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के सामने आपके सामने तीन चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। पहली है बल्क कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट, और दूसरी है बल्क अपलोड कॉन्ट्रैक्ट्स, और तीसरी है कॉन्ट्रैक्ट डाटा। दोस्तों पहले वाले में बल्क कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट जो दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट खुलेगा, यानी एक एक्सेल फाइल यहाँ पर खुलेगी। उस एक्सेल फाइल को भर के हमें जो दूसरे वाला कॉलम यहाँ पर दिया गया है, यानी जो दूसरा लिंक यहाँ पर दिया गया है वहाँ पर अपलोड कर देना है। और दोस्तों हमारे पास जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो चुके हैं उनका डाटा आप डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट डाटा से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बल्क कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेता हूँ, और अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे सामने ये बल्क कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट खुल जाता है। दोस्तों यही वो टेम्पलेट है जिसको भरने उपरांत आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इशू हो पाएगा। तो दोस्तों डिपार्टमेंट के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को ही भर देना है। तो दोस्तों अभी हम नज़र डालते हैं इस पर, इसमें दिए गए कुछ कॉलम्स की। दोस्तों पहले नंबर पर यहाँ पर अप्रेंटिस नेम दिया गया है, तो आपको इसके जस्ट नीचे अप्रेंटिस नेम भर देना है, फादर नेम के नीचे फादर नेम भर देना है, और रिलेशनशिप में फादर भर देना है। इसी तरह जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, गार्डियन नेम, गार्डियन रिलेशनशिप। दोस्तों ये दोनों कॉलम में आपकी मदर नेम भी भरवा सकते हैं।
और डिसेबिलिटी में आप यहाँ पर भर सकते हैं यस या नो, और उसके बाद कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, आपकी जो भी कैटेगरी है आप वो यहाँ पर भरें। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन टाइप है उसमें ग्रेजुएट, टेंथ या फिर ट्वेल्थ आप भर सकते हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो। और दोस्तों उसके पश्चात अदर क्वालिफिकेशन में आपको कुछ नहीं भरना है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपको, जैसे आपने वहाँ पर ग्रेजुएट, टेंथ या ट्वेल्थ भरी है, तो वही यहाँ पर टेंथ, ट्वेल्थ या ग्रेजुएट भरा जाएगा। और उसके बाद स्पेशलाइजेशन में आपको कुछ नहीं भरना है, अदर क्वालिफिकेशन आपको खाली छोड़ देना है। क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट में आपने जो 10वीं प्लस टू या फिर ग्रेजुएट की है उसका जो भी स्कूल कॉलेज है यहाँ पर भर देना है। और यहाँ पर आपको अपनी 10वीं कक्षा के मार्क्स भर देने हैं और यहाँ पर टोटल मार्क्स भी भर देने हैं, और उसके पश्चात आपको यहाँ पर परसेंटेज भी भर देनी है। और दोस्तों उसके पश्चात स्टार्ट डेट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आपने जो 10वीं कक्षा की थी वो किस डेट से स्टार्ट थी और किस डेट को ख़त्म हुई थी वो चीज़ यहाँ पर भर देनी है। दोस्तों उसके पश्चात अपॉर्चुनिटी कोड यहाँ पर दिया गया है, तो ये अपॉर्चुनिटी कोड वो है जो डिपार्टमेंट द्वारा नए अप्रेंटिस लगाने के लिए सीटें क्रिएट की जाती हैं, तो उनके जस्ट सामने एक अपॉर्चुनिटी कोड होता है, तो उसी कोड को यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा भरा जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी कोड दिखा देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कोड आपको कहाँ से भरना है। दोस्तों अपॉर्चुनिटी कोड भरने के लिए आपको जाना होगा अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर क्लिक करने उपरांत राइट साइड में आपके सामने जो विंडो खुलेगी उसमें यहाँ पर जो जो अपॉर्चुनिटी आपके द्वारा बनाई गई हैं, यानी जो जो सीटें आपके द्वारा क्रिएट की गई हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी कोड यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों जिस भी कैंडिडेट की आप डिटेल उस एक्सेल शीट में भर रहे हैं और उस कैंडिडेट की जो भी ट्रेड है उसके सामने दिए गए अपॉर्चुनिटी कोड को आपको वहाँ पर भर देना है। तो दोस्तों उसके पश्चात हम बढ़ते हैं आगे, इज नेप्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में नेप्स के थ्रू ही अप्रेंटिसशिप लगाई जा रही है, तो यहाँ पर आप यस भर सकते हैं। और यहाँ पर स्टाइपेंड का ऑप्शन दिया गया है, यानी पहले साल आपको कितना स्टाइपेंड मिलना है। दोस्तों वैसे तो अभी अप्रेंटिसशिप एक साल की हो चुकी है, सभी कैंडिडेट्स की अप्रेंटिसशिप एक साल की ही होती है, लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनकी एक साल से ज़्यादा की होती है। तो यदि आप ITI के कैंडिडेट हैं तो आप स्टाइपेंड फर्स्ट में ही डिटेल भरें और स्टाइपेंड सेकेंड और थर्ड में भरने की आवश्यकता नहीं है, तो इन कॉलम्स को आपको डिलीट करना होगा। दोस्तों उसके पश्चात बेसिक ट्रेनिंग अप्लीकेबल का ऑप्शन दिया गया है, तो बेसिक ट्रेनिंग भी नॉन ITI कैंडिडेट्स की होती है, तो यहाँ पर आपको नो करना होगा और BTC कोड को भी आपको डिलीट कर देना होगा। दोस्तों उसके पश्चात एग्जम्पशन क्वालिफिकेशन टाइप यहाँ पर दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन भर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ITI है उसकी डिटेल आने वाली है, क्योंकि ITI की वजह से ही आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है उसमें एग्जम्पशन मिली हुई है। तो दोस्तों उसके पश्चात एग्जम्पशन क्वालिफिकेशन में ITI भर देना है, और एग्जम्पशन स्टार्ट डेट और एग्जम्पशन एंड डेट यहाँ पर दी गई हैं, यानी आपने जो ITI की थी वो कब से कब की थी वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके पश्चात दोस्तों एग्जम्पशन एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर दिया गया है, तो एग्जम्पशन एग्रीगेट मार्क्स में आपको आपके ITI के जो प्राप्त अंक हैं वो भर देने हैं, और ITI के टोटल मार्क्स आगे वाले में भर देने हैं। एग्जम्पशन परसेंटेज में आपको ITI में जो परसेंटेज आपको प्राप्त हुई है वो यहाँ पर भर देनी है। एग्जम्पशन क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट में आपको आपकी ITI का नाम भर देना है। दोस्तों अब बात आती है ऑन जॉब ट्रेनिंग लोकेशन की, तो ये भी आपको आपकी प्रोफाइल में ही मिलने वाली है, यानी जो डिपार्टमेंट है उसकी प्रोफाइल में मिलने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको कहाँ पर मिलेगी। दोस्तों मैंने ये मोबाइल के अंदर खोल रखा है, तो इसलिए इसे खोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं इसको लैंडस्केप मोड में करके माई प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट की जो प्रोफाइल है उसकी डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। तो दोस्तों आपको सबसे लास्ट में जाना है जहाँ पर लोकेशन लिखा मिलेगा। दोस्तों ये लोकेशन है, जब भी आप नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर लोकेशन भरी जाती है, और इसके जस्ट नीचे आपको लोकेशन कोड का ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा, तो आपको इसी कोड को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है। दोस्तों उसके बाद पश्चात BT स्टार्ट डेट यानी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट डेट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो ITI होल्डर्स के लिए कोई भी बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती है, तो आपको इसे भी डिलीट कर देना है, बेसिक ट्रेनिंग एंड डेट को भी डिलीट कर देना है,
दोस्तों अब बात आती है ओजेटी स्टार्ट डेट की। तो ओजेटी स्टार्ट डेट वो ट्रेनिंग होती है जो आपने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग पूरी की है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेनिंग डेट में जो भरना है वो आज की नई तारीखें भरनी हैं, क्योंकि दोस्तों यह पोर्टल 15 दिन से ज़्यादा पुरानी तारीखों को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर नई तारीख यानी आज से 14 दिन पहले तक की तारीख आप यहाँ पर भर सकते हैं, और उसके साथ ही एक साल की ट्रेनिंग आपको यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेट तक दिखा देनी है, क्योंकि दोस्तों इतना काम करने के बाद भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो इशू नहीं होगा। और इसके लिए आपको जो कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेनिंग है उसको सुधार करने के लिए भी AAA को लेटर लिखना होगा, क्योंकि यह जो कॉन्ट्रैक्ट इशू होगा ये नई तारीखों में ही इशू करना पड़ेगा। दोस्तों उसके पश्चात TPA एप्लीकेबल का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे, और उसके पश्चात जो बेसिक ट्रेनिंग हावर्स हैं उनको भी हम डिलीट कर देंगे। बेसिक ट्रेनिंग डेट टू, बेसिक ट्रेनिंग एंड डेट टू, OJT स्टार्ट डेट टू, OJT एंड डेट टू, दोस्तों इन सब को हम नीचे वाले जो कॉलम में दिए गए हैं इन तारीखों को डिलीट कर देंगे, क्योंकि ITI होल्डर्स के लिए ये सारे एप्लीकेबल नहीं हैं। तो दोस्तों आपको नीचे वाले कॉलम्स में जो भी डिटेल्स दी गई हैं उन सभी को डिलीट कर देना है। तो दोस्तों ये जो भी कॉलम मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको इन सभी कॉलम्स को डिलीट कर देना है। तो दोस्तों इतना करने उपरांत जो आपका फॉर्मेट है वो फिल हो जाएगा, और आप इसे आपका कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है वहाँ पर सेव कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो डिपार्टमेंट ने ये जो फॉर्मेट दे रखा है इसके हिसाब से मेरे द्वारा भी कई कैंडिडेट्स का जो डाटा है उसको फिल किया गया, लेकिन जब भी हम इस डाटा को फिल करते हैं तो बहुत सी एरर हमारे सामने देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इन्हीं एरर्स के समाधान के लिए मेरे द्वारा DGT और फिर RDSDE में भी बात की गई। तो दोस्तों उसके पश्चात RDSDE द्वारा एक कैंडिडेट का डाटा मेरे से मांगा गया, और मैंने उनको एक कैंडिडेट का डाटा इस एक्सेल शीट में भरकर भेज दिया गया, और दोस्तों उसके पश्चात RDSDE द्वारा उन कॉलम्स में अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन भेज के वापस मेरे पास भेजी गई, और फिर मैंने उसको इस पोर्टल पर अपडेट कर दिया। तो दोस्तों उसी तरह का एक जो सैंपल है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, और आप उसी फॉर्मेट को डाउनलोड करके और उसमें ये सारे डिटेल फिल करके पोर्टल पर अपडेट करेंगे तो अवश्य ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जनरेट होने की संभावना हो जाएगी। तो दोस्तों इस पूरे फॉर्मेट को हमें भर देना है, और इस फॉर्मेट को भरने उपरांत हमें वापस जाना है डिपार्टमेंट के लॉगिन पोर्टल पर, और यहां से हम जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन पर। दोस्तों उसके पश्चात हमें जाना होगा बल्क अपलोड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑप्शन पर, और आपने जो भी एक्सेल फाइल बनाई है जिसमें कैंडिडेट का डाटा फिल किया हुआ है उसको ब्राउज के ऑप्शन पर जाकर अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों मैंने मोबाइल के अंदर उस फाइल को सेव कर रखा है, तो इस फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया है, और उसके पश्चात हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट होने में इसमें कुछ समय लगता है, तो सबमिट करने उपरांत आप थोड़ी देर वेट करें, और आपके राइट साइड में ऊपर की तरफ एक पॉपअप आपको दिखाई दे जाएगा। दोस्तों कोई एरर आती है तो उसका पॉपअप भी यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख पा रहे हैं हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है, एंड द फाइल हैज़ अपलोडेड सक्सेसफुली एंड इज़ अवेटिंग प्रोसेसिंग, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम। यानी दोस्तों हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है, और कृपया जो प्रोसेसिंग है उसके लिए आप कुछ समय और इंतज़ार करें। लेकिन दोस्तों ये फाइल मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, उसके बाद भी पोर्टल के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं होता है। तो दोस्तों हमने इस फाइल को सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है, और इसका फ़ायदा हमें यह भी मिलेगा कि इस यह जो कैंडिडेट है इसकी एक प्रोफाइल नए वाले पोर्टल पर बन चुकी है। विभाग द्वारा जारी SOP में जो बताया गया है उसके आधार पर तो ये फाइल अपलोड करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल दी गई हैं अन्य कैंडिडेट्स की, उनके साथ इस कैंडिडेट की भी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल दिखाई दे जानी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और जब इसी बारे मेरे द्वारा DGT में पता किया गया तो DGT ने यह बताया कि
जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है तो उस कैंडिडेट की एक प्रोफाइल इस पोर्टल पर जनरेट हो जाती है, तो आपको उस प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। तो दोस्तों इसके बाद डिपार्टमेंट को क्या करना है, डिपार्टमेंट को उस कैंडिडेट की जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करवाना है। तो उसके लिए कैंडिडेट को क्या करना होगा, तो दोस्तों आगे के कार्य के लिए कैंडिडेट को जाना होगा लॉगिन के ऑप्शन पर, और यहाँ से कैंडिडेट को जाना होगा फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर, और दोस्तों यहाँ से कैंडिडेट अपनी मेल आईडी को भर देगा। तो दोस्तों कैंडिडेट की मेल आईडी भरने उपरांत हमें क्लिक करना है सेंड पासवर्ड लिंक के ऑप्शन पर। तो दोस्तों इस तरीके से पासवर्ड रिसेट का लिंक कैंडिडेट की मेल आईडी पर चला जाएगा, और उस लिंक पर क्लिक करके कैंडिडेट अपनी आईडी के लिए एक पासवर्ड बना लेगा और उसे लॉगिन करके अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यह बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ कि कैंडिडेट को अपनी प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता ही होगा इस पोर्टल पर लॉगिन करने उपरांत जो प्रोफाइल का ऑप्शन है वहाँ जाकर कैंडिडेट को अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होती है, जिसमें उसके 10वीं के डॉक्यूमेंट, आईटीआई का डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ इत्यादि अपडेट करने होते हैं। तो दोस्तों कैंडिडेट द्वारा अपनी प्रोफाइल अपडेट करने उपरांत डिपार्टमेंट द्वारा जो सीट क्रिएट की हुई है उस पर अप्लाई कर देना होगा, और डिपार्टमेंट के द्वारा उसके बाद अपना जो पोर्टल है उस पर उस कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट नई तारीखों में इशू करना होगा। और दोस्तों जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट इशू हो जाता है तो डिपार्टमेंट द्वारा विभाग ने जो भी एसओपी जारी किया गया है उस एसओपी के अनुसार कार्यवाही करनी होगी, यानी यहाँ पर जो एसओपी दिया गया है इस एसओपी के अनुसार ये जो फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मेट में कैंडिडेट की डिटेल्स को भर देना है, और कैंडिडेट की डिटेल को भर के AAA को भेज देना है। दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मेट है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ए नंबर यानी विप्रो पोर्टल का ए नंबर दिया गया है, कैंडिडेट का जो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो ए से स्टार्ट होता है वो यहाँ पर भर देना है, और पुराने पोर्टल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ पर भर देना है। अगले कॉलम में कॉन्ट्रैक्ट नंबर जनरेटेड ऑन IBN पोर्टल, यानी ये जो नया पोर्टल है इस पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है उसका नंबर यहाँ पर भर देना है। उसके पश्चात ट्रेनिंग स्टार्ट डेट जो अभी के लिए भरी हुई थी वो भर देनी है, यानी नए वाले पोर्टल पर जो नई तारीखें भरी थी वो ट्रेनिंग स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पर भर देनी है। उसके पश्चात एक्चुअल स्टार्ट डेट और ट्रेनिंग एंड डेट जो भी थी वो यहाँ पर भर देनी है, यानी पुराने पोर्टल वाली। तो दोस्तों इस पूरे फॉर्मेट को भर के डिपार्टमेंट के द्वारा AAA को भेज देना है, और दोस्तों AAA के द्वारा इस बारे फिर पूरी जाँच करने उपरांत आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी आपकी जो भी डाटा है उसको ajay.bhagat68@gov.in या फिर ishwar.singh25@nic.in पर भेजा जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से डिपार्टमेंट वो कैंडिडेट जो 108वीं, 109वीं या 110वीं शिक्षकता परीक्षा में रीअपीयर के या फिर फेल कैंडिडेट हैं उनको पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर शिफ्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में जो एक्सेल शीट दी गई है आप उसका यूज़ करके यदि इस डाटा को अपडेट करेंगे तो हो सकता है आपका डाटा अपडेट होने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दोस्तों इसके अलावा एक और तरीका भी है जिसके द्वारा इन कैंडिडेट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नए पोर्टल पर जारी किए जा सकते हैं, तो दोस्तों उस बारे में आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट को माइग्रेट करने संबंधी क्वेरी दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।